अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए जायदा को? आजी आजी आगे आजी। ऐसे मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेकर गए, अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए पता नहीं। चलो ये तो आपको पता है ना कि किसी की तबीयत खराब हो तो उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, पता है ना? नहीं, जब उसको उठाया था तो उसकी डेथ हो चुकी थी ना। किसने चेक किया था कि डेथ हो गई है या नहीं? नब्ज वगैरह देखी थी। किसने देखी थी? हमने खुद दी, दिल की धड़कन वगैरह देखी। जाहिदा कैसी लड़की थी? जाहिदा 2-3 मरतबा गई थी भाग कर किसी के साथ। भाग गई थी किसके साथ? वो भी उसका कजन ही लगता है जिसके साथ गई थी। हाँ जी, खाना का बेटा। पहली बार गई थी तब 9-10 दिन बाद आई है। ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद दूसरी मर्तबा जब गई है तो तीसरे दिन के दूसरे दिन आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन, शाहिदा आप ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? शाहिदा, जाहिदा के साथ क्या हुआ है? जाहिदा, क्या लगती है जाहिदा आपकी? मेरी कजन ही है। कजन लगती है? आप यहाँ पे रहती हैं? जी। अच्छा, आप यहाँ पे रहती हैं, तो क्या हुआ जाहिदा के साथ? जाहिदा के साथ मैं अंदर थी कमरे में और वो कपड़े धो रही थी। अच्छा, तो मैं बिस्तरे वगैरह उठा रही थी, हम दोनों के अलावा घर में और कोई भी नहीं था। थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा ठीक है, फिर? तो हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था, मैं बिस्तरे अंदर उठा रही हूँ और वो बाहर कपड़े धो रही हैं। इधर सहन में वहाँ बैठी हूँ। अच्छा ठीक है, उधर कपड़े धो रही हैं। ठीक है, तो जब वो कपड़े धो रही थी ना, तो मैं, मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कपड़े डालने गई है, जो भी करने गई है, तो ऊपर जब नीचे शोर आया ना गिरने का। अच्छा, तो मैं बाहर तब भाग कर आई हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन ऊपर से हसनैन जो है ना वो मेरा भांजा ही लगता है। ठीक है, तो वो ऊपर से उतर रहा था। ठीक है, और जाहिदा गिर चुकी हुई थी? वो गिर चुकी हुई थी। ठीक है, तो उधर बस मेरा ना जैसे खुद ही कांपना शुरू कर दिया मैंने, उतने देर हसनैन निकल गया, भाग गया। हाँ जी। अच्छा, फिर आपने भाग के जाहिदा को देखा? नहीं, मेरा ना जैसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, उतनी देर मैं भाग कर निकली बाहर, तो मेरी वो खालें लगती हैं जाहिदा। नहीं नहीं जी, वो जो मेरी इधर हमारे हमसाए हैं। अच्छा, वो आ गई मेरे पास, फिर उन्हें मैंने बताया, तो उतनी देर फिर हमने जैसे बच्चे को भेजा, हमारे सारे मर्द, ये मेरी जो सासू माँ और ये सारे उधर गए हुए थे, अपने भैंसों के चारा वगैरह डाल रहे थे। ठीक है, दूध वगैरह लेने गए हुए थे। ठीक है, तो वो फिर सारे आ गए उतनी देर, फिर हमारे मर्द वगैरह तब आए हैं। ठीक है, फिर? फिर उन्होंने उठाकर, मेरी कज़न ने जो मेरी ननद है, उन्होंने उठाकर हमने चारपाई पे डाल दिया। डालकर फिर उधर से बस सारी औरतें इकट्ठी हो गई। नहीं, मतलब उसको अस्पताल वगैरह नहीं लेकर गए? नहीं। आ जाए थोड़ा आगे आ जाए। अस्पताल नहीं लेकर गए उसको? नहीं। क्यों नहीं लेकर गए? आगे आ जाए, आगे आ जाए, इस तरफ आ जाए। अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए जायदा को? आज आज आगे आ जाए। ऐसे मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेकर गए। अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए? पता नहीं। नहीं पता? चलो ये तो आपको पता है ना कि किसी की तबीयत खराब हो तो उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, पता है ना? नहीं, जब उसको उठाया था तो उसकी डेथ हो चुकी थी ना। किसने चेक किया था कि डेथ हो गई है या नहीं? नब्ज वगैरह देखी थी। किसने देखी थी? हमने खुद दी, दिल की धड़कन वगैरह देखी, खुद देखी थी। अच्छा, तो नहीं चल रही थी? नहीं, डेथ हो चुकी हुई थी। हाँ जी। फिर उसके बाद ऐलान करवाया था? मर्दों ने करवाया, फिर इधर तो इतना शोर शराबा। इतना जाहिदा कैसी लड़की थी? जाहिदा 2-3 मरतबा गई थी भाग कर किसी के साथ। भाग गई थी? हाँ। किसके साथ? वो भी उसका कजन ही लगता है जिसके साथ गई थी। हाँ जी, खाना का बेटा। अच्छा, तो कितने कितने देर के लिए गई थी? कुछ अरसे बाद वापस आ जाती थी या आप लोग लेकर आते थे? पहली बार गई थी तब 9-10 दिन बाद आई है। ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद दूसरी मर्तबा जब गई है तो तीसरे दिन के दूसरे दिन आ गई थी। ठीक है, लेकर आए थे, लेकिन फिर तीसरी बार गई है। ठीक है, फिर लेकर आ गए। ठीक है, तो यही बस इसी मसले में ही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जब पहली बार गई है तो आप लोगों के घर से कोई उसको लेकर आया या खुद ही आ गई थी? नहीं नहीं, हमारे गए थे लेने के लिए, तो कोई उसने, जी वो जो उधर गांव वाले, उनके लड़के के गांव वाले हैं, उनके अच्छा। साथ जैसे परे हैं कहते हैं हम, पंचायत के जरिए से लेकर। हाँ आए थे पंचायत। तो निकाह वगैरह कोई किया हुआ था या वैसे ही चले जाती थी? नहीं, उसका लड़की का उधर
जाहिदा का? ऐसे तो मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि तलाक भी ली है जबरदस्ती, हसनैन ने बताया। हमारे मर्दों को ही पता, हमें औरतों को इतनी बातें नहीं थे बताते। अच्छा, तो जाहिदा के जो वालिद साहब हैं उनका क्या नाम है? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा आपके क्या लगते हैं? मेरे चाचू। चाचू लगते हैं। तो चाचू की बीवी जो है वो चची लगी? जी चची। तो चची के हुए कितने बच्चे? चार। चार बच्चे, ठीक हो गया। तो चाचू और चची की जिंदगी ठीक चल रही थी? कोई झगड़ा झगड़ा, कोई मसला मसाइल? बिल्कुल, बहुत खुश है अपने घर में। अच्छा, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, सिर्फ प्रॉब्लम जाहिदा की वजह से हुई है? जाहिदा को इधर दिया हुआ था। कहाँ? मेरे छोटे देवर के, छह देवर के। मांगी हुई थी? हाँ जी, मांगी हुई थी। अच्छा, फिर? और उनका दिल था कि जाहिदा को हमने इधर ही देना है। ठीक है, लेकिन जो जाहिदा थी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, पहले हमें नहीं था किसी बारे में भी पता, जब चलेगी तब भी पता चला था। तो थाने जाके क्यों नहीं बताया कि ऐसे ऐसे जाहिदा को मार दिया है हसनैन ने? कि आपने क्यों नहीं बताया? हम तो अपने घर में औरतें सारी आ गई तो बस रोने शुरू हो गए। ठीक है, तो आदमियों में से भी किसी ने नहीं बताया ना? ऐसे मुझे कंफर्म नहीं। छत पर हम आ गए हैं, क्या कहानी है हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद नाम है। मोहम्मद शहजाद। शहजाद माशाल्लाह समझदार इंसान लगते हो, बाशऊर इंसान लगते हो। क्या कहानी हुई घर पे, क्या बन गया, क्या वाकया है? सर इस बात का मुझे नहीं पता, मौके पर मैं नहीं था, मैं घर से डायरी पर गया हुआ था, मतलब वो मुरब्बे गया हुआ था मालमो बैशी के लिए। तो ये जो वाकया हुआ है, मैं बाद में पहुंचा हूँ यहाँ पे जब मर्डर हो चुका था। ठीक है। तो मोहम्मद हसनैन अकेला था, घर मेरी बीवी थी शायदा। अच्छा, तो मुझे इस बात का इलम नहीं है कि मर्डर हो चुका है नहीं है, जिस तरह वो मतलब लड़बाजी हुई है या मतलब गांव में पता चला, तो मुझे अभी वैसे ही पता चला है जैसे लोगों, आम लोगों को पता चला है। ठीक है। उसके वालदेन को भी उसी वक्त पता चला है, बल्कि मैंने बताया है उधर, जब मुझे पता चला है तो मैं, उनका घर भी उधर है, मैं आप भी उधर। बताने गए? नहीं 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 नहीं, मैं बताने नहीं गया, मुझे भी पता लगा है, बच्चों ने बताया है मुझे, वो भाग के गए मेरे पास, मैं मालूम वैशी के पास था, तो मैं भी उधर पहुंचा तो उनके वालदैन को मैं ही साथ लेके आया हूँ। अच्छा, जब मर्डर हो चुका था। ठीक है ठीक है ठीक है। इसी जाहिदा की वालदा को? जी जी, जाहिदा की वालदा को और अब्बू को और भाई को। ठीक है जी, सबको मैं लेके आया हूँ। ठीक है, फिर आके क्या हुआ घर पे आके, फिर क्या हुआ? ये देखा मर्डर हो चुका था तो इसी वजह से शायद कॉल नहीं हो सकी 15 पे या 1122 पे। ठीक है, वरना मेरा तो इरादा था कि 15 पे कॉल करते हैं, तो लोगों के मशवरे से ये जो भी सिस्टम था उस वजह से वो गलती हो गई थी। ठीक है, अब जाहिदा को किसने कत्ल किया, पता तो लग गया ना? हाँ जी, मोहम्मद हसनैन। वजह क्या है? वो तीन चार मरतबा मतलब बदफेली की वजह से वो गई है। ठीक है ठीक है, उसी अनाद की बिना पर जिस तरह सुना है मैंने। ठीक है जी। तो अगर वो चले ही गई थी फर्ज के तौर पे, अव्वल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चियाँ इज्जतें होती हैं बाप की भाइयों की, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसने ऐसा किया था तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि वहीं पर उसका निकाह कर दिया जाता? जब वो एक बार गई है तो उसको वापस लेके आए उसके वालदैन के पास। ठीक है, चूँकि मैं भी उसका कजन हूँ। ठीक है, वो मेरे चाचू हैं। ओके ठीक है, जिसकी बेटी है ज्यादा, तो मैंने उनसे मशवरा लिया था। बेल जरा बंद कर लें, बेल बंद कर लें मोबाइल की। अच्छा जी, मैंने उनसे मशवरा लिया था कि जिस मतलब गई है हमारी जानिब उसका दिल नहीं है, हम भी कजन है, ये सारा कुछ देख रही है सुन रही है, दे तो उसका मतलब जी नहीं है हमारी जानिब, तो वो उधर दे देते हैं उन्हें। वो उधर रजामत नहीं थे, इस वजह से वो माँ बाप वापस लेके जी दूसरी बार गई है, फिर भी मैंने यही मौका दिया है कि वो ऐसे बैठ जाए, ये हो जाए। उन्होंने कहा है कि हत्तल विसा जो भी हो जाए उधर हमने नहीं देनी वो रजामंदी। अना आ गई जी, जिद आ गई जी, जिद ही आ गई समझ लो। ठीक उसके वालदैन की राय थी, हमारी राय नहीं थी। ठीक है ठीक है, मैं तो मदद करता रहा हूँ ना, तीन चार मरतबा उन्हें कहा है कि उधर दे दे। ठीक है, अब वालदैन किधर है? वालदैन तो अपने घर है। कहाँ पे है घर उनका? वो थोड़ी सी दूर है। कहाँ पर है? गाँव के वो
उस साइड पे है। अच्छा, ये वही छत है जहाँ पर कपड़े डालने आई थी और फिर उसको धक्का दिया गया और फिर वो कत्ल हुई। ज़ाहिदा की तलाक उसकी रजामंदी से ली थी या जबरदस्ती? वो जब गई है ना, वो हम परे पंचायत के मतलब परे पंचायत को मिले हैं, उनसे बातचीत हुई हमारी, उन्होंने भी मिन्नत समाजत की थी कि इसको इधर ही रहने दें, इनको इधर ही रहने दें, ठीक है। उसके जो वालिद हैं वही बाज़ाहिर रहे कि हमने वापस लेनी है अपनी बेटी, ठीक है। जब वापस लिए तो वो उनके साथ हमारा मुतालबा हो गया कि हम तलाक देते हैं, ठीक है। वो उन्होंने अपनी रजामंदी के साथ वो परे पंचायत के हिसाब से वो तलाक दे दी थी जी, दे दी थी। तो फिर जबरदस्ती हुई ना, बच्ची की तो रजामंदी नहीं थी, वो तो रहना चाहती थी ना। उसके वालिदैन की बिल्कुल। वो लड़का किधर है? वो लड़का थाना में है अभी, हवालात बंद है। नहीं, कातिल थाने में है? जी जी जी, कातिल। जिसके साथ वो जाती थी वो लड़का किधर है? उसका नहीं हमें पता। क्या नाम है उसका? शायद मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका नाम। उसके घर का पता आपको? हाँ, घर का। वो लुंडिया वाला के रहिशी है, इधर से है 30-35 किलोमीटर दूर। कभी उससे बात करने की कोशिश की है? नहीं सर। कभी पंचायत के बाद या कत्ल होने के बाद कोई रابطہ करने? नहीं नहीं, कोई किसी किस्म का रابطہ हमारा कोई रابطہ नहीं है, किसी किस्म का, किसी किस्म का रابطہ नहीं हमारा ऊपर से। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जब कत्ल हो गया तो थाने में या पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? वो तो देनी चाहिए थी ना। बिल्कुल देनी चाहिए थी, वही गलती हुई है। मुझे भी पता लग गया था घर, जैसे आप सुन के आए हैं, या मतलब ये सारे लोग सुन के आए हैं गांव वाले, वैसे ही आए थे और वो कफन दफन के लिए वो उन्होंने इंतजाम कर दिया था। तो फौरन से कफन दफन के लिए भी इंतजाम हो गया और पुलिस को किसी ने इत्तला दी, पुलिस फौरन मौके पर आई और फिर पोस्टमार्टम किया जी, ना? पोस्ट। हालांकि ये काम तो ये था कि आप लोग जाते थाने और जाके बताते कि इस तरह से हो गया जी, जी। लेकिन पूरे घर ने इस कत्ल को छुपाया, ऐसे ही है ना? नहीं नहीं, इसमें उसके वालिदैन की मर्जी थी, हमारी नहीं थी, ठीक है। हाँ, जिस तरह वो उसको वापस ले आने की वो बाज़िद थे ना, इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम खुश हैं इस बात पे। बिल्कुल।